जब भी हम कभी ब्यूटीफुल बीचेस या ब्यूटीफुल आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज आते हैं। पर क्या आपको पता है इन देशों से भी अच्छा और खूबसूरत आइलैंड हमारे इंडिया में है, जिनके बारे में ये अंग्रेज या हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं समीर गुप्ता और आप देख रहे हो इजी फैक्ट। आज इस वीडियो में इंडिया के 10 सबसे खूबसूरत आइलैंड के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वैसे तो इंडिया में 382 आइलैंड है और इनमें सबसे ज्यादा फेमस गोवा है, क्योंकि आप किसी हर दूसरे आदमी से पूछोगे कि आप गोवा के बारे में क्या जानते हो तो बोलेगा कि यहां के बीचेस और आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं गोवा के किसी भी आइलैंड का जिक्र नहीं किया, क्योंकि गोवा के बीचेस और यहाँ के आइलैंड के बारे में लगभग सभी को पता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जब भी इस वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, बिना कोई और टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पे कवाई आइलैंड। कवाई आइलैंड भारत में केरल राज्य के कन्नूर जिले में पैनूर के पास कई छोटे द्वीपों का समूह है, और यह आइलैंड पैनूर से काबई नदी पर बस एक छोटे से पुल से जुड़ा हुआ है। कन्नूर में कवाई आइलैंड को आसानी से केरल में सबसे महत्वपूर्ण बैक वाटर स्थानों में गिना जा सकता है, क्योंकि कवाई आइलैंड केरल में तीसरा सबसे बड़ा बैक वाटर है और पूरे उत्तर केरल क्षेत्र में सबसे बड़ा आइलैंड भी है। इस आइलैंड की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब मार्को पोलो यहाँ पर घूमने आए थे तो उन्होंने इसकी और इसकी खूबसूरती के बारे में एक बुक लिख दी थी। नंबर 9 पे साओ जेसीटो। साओ जेसीटो आइलैंड या साओ जेसीटो द्वीप एक छोटा द्वीप है जो मोर मुगाओ खाड़ी में स्थित है। यह एक प्यारा सा आइलैंड बोगमालो समुद्र तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह आइलैंड अपनी सिर्फ खूबसूरती और साफ पानी के लिए जानी जाती है। अगर आप इस आइलैंड पे नाव से जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आप पानी में नहीं बल्कि हवा में अटके हुए हो। यहाँ की पानी इतनी साफ है कि आप नाव में बैठे बैठे इसकी अंदर तक सब कुछ आसानी से और बिल्कुल साफ देख सकते हो। नंबर 8 पे है सेंट मैरी आइलैंड, और यह आइलैंड अरब सागर में कर्नाटक के तट से सिर्फ 4 माइल की दूरी पर स्थित है। नॉर्मली सेंट मैरी आइलैंड 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें नारियल द्वीप, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और दरिया बहादुरगढ़ द्वीप है। सेंट मैरी आइलैंड को बेसिकली सनसेट के लिए जाना जाता है। यहाँ के क्रिस्टली चट्टानों पर खड़े होकर सूर्यास्त को देखना इस द्वीप का सबसे आकर्षक अनुभवों में से एक है। नंबर 7 पे है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड अंडमान का एक खूबसूरत आइलैंड है, और यह आइलैंड किसी भी फोटोग्राफर के लिए एक स्वर्ग साबित होता है। बैरन आइलैंड भारत में एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय है, मतलब कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड है। यह आइलैंड अपनी खूबसूरती के साथ लुभावनी है और इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि इस द्वीप में पूरी तरह से आवास की कोई सुविधा ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है। मतलब यह है कि यह आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आप घूमने की प्लानिंग नहीं कर सकते। नंबर 6 पे है दीव आइलैंड। अगर गुजरात की सबसे खूबसूरत आइलैंड के बारे में बात करें तो वह है दीव आइलैंड। यह आइलैंड बेसिकली पुर्तगाली कल्चर और गुजराती समुदाय का मिला जुला रूप दिखाता है। यहाँ पर पुर्तगाली कल्चर इसलिए मौजूद है कि जब पुर्तगालीस इंडिया में पहली बार आए थे तो वो इसी द्वीप पर आए थे, इसलिए अब यहाँ पर पुर्तगाली कल्चर और गुजराती समुदाय का मिला जुला रूप मिलता है। दीव आइलैंड कई समुद्री तटों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मौसम हमेशा सुहावना रहता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का औसतन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, इसलिए टूरिस्ट के लिए यह आइलैंड अट्रैक्शन का केंद्र है। नंबर 5 पे ग्रेट निकोबार आइलैंड। यह आइलैंड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड के साथ हिंद महासागर का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो यहाँ पर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम फरवरी से जून के बीच होता है, जिसके लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से बोट या हेलीकॉप्टर पकड़नी पड़ेगी। आप यहाँ पर रोड के द्वारा नहीं पहुँच सकते, पर एक बार निकोबार में पहुँच जाने पर इसकी हरी भरी पेड़ पौधे और क्रिस्टल जैसा साफ पानी देखकर आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। नंबर 4 है हैवलॉक आइलैंड। अंडमान आकर पर्यटक जिसे सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं वह है यहाँ का हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक अंडमान का सबसे खास बीच वोकेशन स्पॉट है, यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग देशों से पर्यटक आते रहते हैं। इस आइलैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसका नाम एक ब्रिटिश जनरल के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम था सर हेनरी हैवलॉक। और फैक्ट यह है कि अगर आप इस आइलैंड पर सुबह के वक्त जाओगे तो उसके तट पर पानी नहीं मिलेगा, मतलब कि सुबह के वक्त इसके बीच पर पानी नहीं दिखता है, पर जैसे जैसे शाम होता है इसके बीच पानी में डूब जाता है। नॉर्मली दोपहर में इसके बीच पानी में डूब जाते हैं। नंबर 3 पे है अगट्टी आइलैंड। लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक अगट्टी आइलैंड भी है। एक सवाल सबके मन में आता है कि विच वन इज बेटर, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। तो देखो, बेटर तो दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पर कम भीड़, क्लीन वाटर, क्लीन नेचर है, पर लक्षद्वीप अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि जितना अंडमान और निकोबार हो चुका है। अगर आप अंडमान एवं निकोबार जा रहे हो और आपने टिकट नहीं बुक किया तो हो सकता है कि आपको रहने के लिए जगह मिल जाए, पर आप जब लक्षद्वीप जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप टिकट बुक किए बिना, टिकट मतलब कि किसी रूम को बुक किए बिना गए तो आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको किसी जहाज सवार से हेल्प मांगनी पड़ सकती है, और यही हाल अगट्टी आइलैंड का भी है। खूबसूरती के मामले में किसी भी आइलैंड से कम नहीं है, पर ये उतना अभी विकसित नहीं हुआ है। नंबर 2 पे पंबन आइलैंड। अगर आपने रामेश्वरम के बारे में सुना है तो तमिलनाडु में पंबन आइलैंड आपके लिए अनोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंबन आइलैंड को ही रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है। यह आइलैंड अपने सफेद रेतीले समुद्री बीचेस और अपने यूनिक पुल के लिए जाना जाता है।
अगर आपको तमिलनाडु घूमना है तो इस पुल की फेरी लें और इस द्वीप पर कुछ समय बिताएं, क्योंकि इस पुल पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से अपने आप में आश्चर्यजनक होते हैं। नंबर वन से पहले आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। मैं शुरू में बोला था कि मैं गोवा के किसी भी बीचेस या आइलैंड का जिक्र नहीं करूंगा, पर बाय मिस्टेक नंबर 9 गोवा का एक आइलैंड था। तो बोनस फैक्ट यह है कि हमारे इंडिया में टोटल 1382 आइलैंड है, इनमें से केवल 572 अंडमान और निकोबार के हैं और 36 लक्षद्वीप के हैं। और फैक्ट यह है कि लगभग 90% से भी ज्यादा आइलैंड्स अपने आप में खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पर ज्यादातर इंसान नहीं रहते हैं। आप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के किसी भी आइलैंड के बारे में पढ़ लो, ज्यादातर आइलैंड टूरिस्ट स्पॉट ही रहते हैं, और जिस जगह इंसान नहीं होगा स्वाभाविक है कि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा। इसकी वजह से ये आइलैंड अपनी खूबसूरती को बरकरार रखते हैं, और मैं इन्हीं खूबसूरती को टॉप 10 की लिस्ट में लाने की कोशिश किया है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पे है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह आइलैंड नॉर्थ में सुबनसिरी नदी और साउथ में ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, और यह आइलैंड 16वीं शताब्दी के बाद से असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर पॉल्यूशन नाम मात्र की चीज़ नहीं है, जिस वजह से इतना फेमस है। तो आपको कौन से आइलैंड अच्छे लगे और आप किस आइलैंड पर घूमना पसंद करोगे कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज़।